नमस्कार, पुनः स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। विशेष देख रहे हैं आप और विशेष में बात करेंगे बाबा रे बाबा। जी हां, हम आज इसी मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं। चौंकिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मसला दो बाबाओं या कहें कि साधुओं के बीच की लड़ाई का है। इसमें एक बाबा को दूसरे बाबा से अपनी जान का खतरा हो गया है। इनके बीच लड़ाई भी किसी आश्रम की मिल्कियत की या मठाधीशी की गद्दी की नहीं है। एक सड़क कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्रेशर लगाए जाने का विरोध कर रहे जो बाबा हैं उनको लेकर यह खबर सामने आई है, क्योंकि इससे किसानों के खेत बंजर होने का खतरा है। तो दूसरा कंपनी का पक्ष लेकर उसे धमका रहा है। एक बाबा क्रेशर लगेगा, किसानों की जमीन खराब हो जाएगी, फसल परेशानी होगी उनको, उसको लेकर आवाज उठा रहा है, तो दूसरे बाबा उन्हीं को धमका रहे हैं। यानी समाज को शांति और सद्भावना की राह दिखाने वाले संत ही हिंसा की राह पर हैं। हम इन्हीं बाबाओं की इसी लड़ाई को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों जो दो बाबा जिन्हें दीन दुनिया से फर्क नहीं है, साधु संत जो किसी की परवाह नहीं करते, सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं, इन्हें दीन दुनिया से भी मतलब हो गया है और इस तरह की परेशानियों से भी मतलब हो गया है। तो आज इसी पर होगी बात। अब मामला विस्तार से समझिए। शिवराज सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे और बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकार में राज्य मंत्री का सुख भोगने वाले कंप्यूटर बाबा एक बार फिर विवादों में हैं। वो विवादों में ही नहीं हैं, इस बार गंभीर मामले में फंस सकते हैं। वजह है, उनके खिलाफ एक और बाबा ने मोर्चा खोल दिया है और उनके आरोप भी गंभीर हैं। ये दूसरे बाबा हैं छतरपुर के गढ़ी मलहरा क्षेत्र के राम जानकी और बिहारी जू आश्रम के महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी जी की कंप्यूटर बाबा पर जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। महंत का कहना है, झांसी से खजुराहो के बीच सड़क बना रही पीएनसी कंपनी ने मलका गांव के पास माइनिंग की लीज ली है। लीज सिर्फ खनन की थी, लेकिन अब वहां क्रेशर लगाया जा रहा है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है, यहां क्रेशर लगेगा तो उनके उपजाऊ खेत उजड़ जाएंगे। महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी भी किसानों के साथ हैं। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर कंपनी की शिकायत प्रशासन से की, जिसके बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है, पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के मैनेजर ने अपने को कंप्यूटर बाबा का आदमी बताते हुए उन्हें धमकियां दी और इसके बाद पिछले दिनों उन पर फायरिंग भी करवाई गई। छतरपुर जिले की पुलिस ने जब महंत की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो महंत ने भोपाल का रुख कर लिया और बीजेपी मुख्यालय में उनके गुहार लगाने के बाद गृहमंत्री को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिख दिया। बीजेपी के नेता महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी के समर्थन में है और वो चाहते हैं कि कंप्यूटर बाबा और उनके दम पर आतंक फैला रही कंपनियों पर कार्रवाई हो। क्रेशर जो है अवैध लगाने के लिए कुछ कंपनी आई तो उसने जो है वहाँ किसानों के खेतों में पत्थर डालना शुरू कर दिया। तो सुबह मैं कलेक्टर के पास गया था, वहाँ एप्लीकेशन दी जाके 250-300 किसानों के हस्ताक्षरित एप्लीकेशन, बस इतना मेरा दोष था। बस मेरे फ़ोन में धमकी आने चालू हो गई कि कंप्यूटर बाबा को नहीं जानते हो, ये कंपनी के मामले मत पड़ो। गाड़ी सही कराने गया था, उजरा से लौट रहा था, रास्ते में मैं थोड़ा रुका एक, बस उतने में ताबड़ तोड़ गोलियां चलने लगी। साहब मैं जैसे तैसे दाहिनी तरफ बोलेरो काट के भगा। तब से मैं मुझे इतना खतरा बढ़ गया है पीएनसी कंपनी के मैनेजर जैन और कंप्यूटर बाबा से, किसी भी समय ये लोग मेरी हत्या करा सकते हैं। मैं अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूँ, यहाँ बीजेपी कार्यालय भी आया हूँ, मुझे आशा है कि मेरी मदद की जाएगी। देखिए, आप सबने देखा है कि दिग्विजय सिंह जी जब चुनाव लड़ने जाते थे या कमलनाथ जी की हम बात करें, लगातार साधु महात्माओं के बीच में इस तरह का ढोंग प्रकट करते थे कि जैसे साधु महात्माओं का बहुत सम्मान वो किया करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल कंप्यूटर बाबा और मौनी बाबा की शरणागत बैठ गई है। पूरी तरीके से जिस तरह से प्रथा चल रही है वसूली की, और कंप्यूटर बाबा ने लगातार सब जगह रोक रोक कर ट्रकों को जिस तरह से एक वसूली अभियान चालू किया था, उसको देखते हुए जो भी इसको रोकने के लिए आगे आ रहा है उसको प्रचलित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसकी बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। हमारे कार्यालय मंत्री जी ने नरोत्तम मिश्रा जी को इस बाबत चिट्ठी लिखी और इस मामले में हम कार्यवाही करवाएंगे। क्रेशर जो है, तो यूं तो साधु संत रहते हैं दीन दुनिया से दूर, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो ये कहता है कि बदल दो साधुओं की परिभाषा, क्योंकि इन्हें दीन दुनिया से भी मतलब है और दुनिया से भी लाभ हानि का भी मतलब है। देखिए कितना बदल चुका है जमाना, मॉडर्न जमाना हो रहा है तो साधु संत भी मॉडर्न हो रहे हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दो बाबाओं के बीच की लड़ाई, कंप्यूटर बाबा जो दोनों ही सरकारों में राज्य मंत्री का सुख भोग चुके हैं, लेकिन दूसरे बाबा जिन्हें अब जान का खतरा है वो भी कंप्यूटर बाबा से। आशीष, कैसे देखा जाए इस मामले को, पहले तो दर्शकों को यह समझाइए।
देखिए जिस तरीके से छतरपुर जिले के गड़ी मलहरा थाना क्षेत्र के ये महंत हैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और इनका साफ तौर पर कहना था कि इन्होंने पहले अवैध उत्खनन को लेकर जब स्थानीय किसान इनके पास आए थे क्योंकि वहां पर पीएनसी नामक एक कंपनी है जो क्रेशर लगाना चाह रही थी और किसानों के खेत में बड़े बड़े पत्थर उन्होंने डाल दिए थे ऐसा ये महंत का कहना है। तो जब इन्होंने किसानों की मांग को लेकर कलेक्टर और एसडीएम तक आवेदन दिए उसके बाद लगातार आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। इनका यह कहना है कि इनके ऊपर फायरिंग की गई है, फायरिंग करने के बाद इन्होंने लगातार अलग अलग स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अयोध्या जब जा रहे थे रामलला मंदिर पर रज लेने रज वहां पर देने के लिए मैं अपने ग्राम से तो इनका आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि इनके ऊपर लगातार फायरिंग की गई और ये वहां से अपनी जान बचाकर भागे। हालांकि अब इस पूरे ही मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्थानीय पुलिस महंत की जो शिकायत थी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, यही वजह रही कि इनको बीजेपी मुख्यालय आना पड़ा और बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यालय मंत्री ने गृह मंत्री के नाम पर पत्र लिखकर साफ कर दिया कि इस पूरे ही मामले पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर बाबा पहले बीजेपी के साथ थे, अब कांग्रेस के साथ है। बीजेपी के समय भी बीजेपी से कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर रही और ये कोई पहला मामला नहीं है पारुल जब कंप्यूटर बाबा पर किसी तरह का आरोप लगा हो। इसके पहले भी चाहे अवैध उत्खनन का मामला हो, चूंकि जब वो कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री थे तो लगातार अवैध उत्खनन रोकने का दावा कर रहे थे लेकिन उसका नतीजा सिफर ही रहा। तो ऐसे में कंप्यूटर बाबा की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ आशीष संत। डॉक्टर आशुतोष जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशुतोष जी बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी 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 नमस्कार जी, नमस्कार बहन जी। स्वामी जी पहले तो आपके ऊपर किस तरह के हमले हो रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और कौन करवा रहा है ये भी बताइए। जी एक्चुअली मैं नदी संरक्षा गौरक्षा और प्रकृति रक्षा और इसके लिए मैं काम करता हूँ, लगातार करता चला रहा हूँ पिछले 13 वर्षों से। सीन ये है कि गड़ी मलहरा थाना अंतर्गत ग्राम मलका में मेरा आश्रम पड़ता है जिसमें कंप्यूटर बाबा की बुरी नीयत पड़ गई और इन्होंने जो है गांव के लोगों को झांसे में रख के वहां पर जो अवैध उत्खनन का कारोबार चालू करा दिया। एक पीएनसी कंपनी के जो इनके गुर्गों ने वहां पर एक अवैध उत्खनन का कारोबार और वहां लगा दिया खेतों में और लोगों के खेतों में पहाड़ ₹83,5,47,97,10 नंबर पे फोन आने लगा कि आप कंप्यूटर बाबा को नहीं जानते, उस मामले से हट जाओ, अगर आप इस मामले में पड़े रहोगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैंने वो नंबर जिस नंबर से फोन आया मैंने वो नंबर लिख करके थाना आजा गली मलहरा में इत्तला किया लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सातवें दिन ताबड़तोड़ मेरी बोलेरो में जान से मारने के नियत से फायरिंग हुई। दैव योग से ईश्वर की कृपा से जब मैंने दाहिनी तरफ बोलेरो काटी मेरी जान बच सकी दीदी, मैं बहुत खतरे में हूँ। कंप्यूटर बाबा और वो कंपनी के मैनेजर किसी भी समय मेरी हत्या करा सकते हैं रुपए पैसे के लालच में। कंप्यूटर बाबा ने न जाने कितने साधुओं की हत्या करा दी है और ये जो है अवैध गोरख धंधा अवैध उत्खनन का इसका मैं काला चिट्ठा खोलने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी जगह के साधु संतों को फोन कर चुका हूँ। मैं वहाँ के साधु संतों को बुला रहा हूँ, प्रदेश में जगह जगह जाके मैं इनके काले कारनामे का चिट्ठा खोलने के लिए तैयार हो गया हूँ। जी बहन जी आप आदेश करें। स्वामी जी अब जब स्वामी जो हम जिनके उपदेशों पर संसार चलता है जो आप जो कहते हैं उनको दुनिया में भक्त जन जो है श्रद्धालु जो है वो कई सुनते हैं, गुरु मानते हैं आप लोगों को, लेकिन आप पर ही संकट आ जाए तो भला किसी और के बारे में क्या कहिएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कंप्यूटर बाबा की बात आप कर रहे हैं, पीएनसी कंपनी जिस पर पहले से भी कई तरह के आरोप लगते आ रहे हैं, अब ऐसे में आपने पहले क्षेत्र में जो थाना लगा वहां पर आपने कंप्लेन की, आपने कलेक्टर को भी कंप्लेन की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये अब आप जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय, गोली चलने का मामला बताया जा रहा है कि पुराना है, कुछ महीने हो गए उसको, इन्होंने मोटी रकम दे के उस थाने हाजे को भी खरीद लिया है। मैं इसी बात को खुलासा करने के लिए यहाँ भोपाल आया हूँ। जी वहां जी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कितना समय हो गया गोली वाली घटना को, 2-3 महीने तो हो गए इस तरह की खबरें।
जी 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 सवा दो ढाई महीने और उसके हो गए बाद आप अब क्यों बीजेपी कार्यालय में मदद मांगने गए हैं? आप किसी और अधिकारी के पास जा सकते थे। मैं आईजी कार्यालय गया, आईजी साहब के यहाँ गया, इसी क्रम में मैं यहाँ भी आया हूँ बीजेपी कार्यालय भी, और मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। कंप्यूटर बाबा और उनके सूत्रों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी, मैं इसकी मांग कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, बीजेपी के लोग आपकी मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। मुझे भरोसा है कि अवैध उत्खनन का कारोबार जो चल रहा है, जो इस तरह से हमले हो रहे साधु संतों पर, इस पर निश्चित रूप से बीजेपी एक्शन लेगी और कंप्यूटर बाबा उनके गुंडों को गिरफ्तार किया जाएगा। हम आशीष से बात करने की कोशिश करेंगे, आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी जो आपके पास पहुंचे थे, बाइट ली थी जिन्होंने। लेकिन स्वामी जी, अब आने वाले समय में अगर किसी तरह का कोई खतरा आपके ऊपर आता है या कोई भी नुकसान आपको होता है, तो उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, पीएनसी कंपनी? पीएनसी कंपनी के जैन और प्लस जो ये कंप्यूटर वाला है, मेरी जान के दुश्मन यही बने हुए हैं। ये दोनों ही आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। आपने कहा कि आपके आपके जी ये टोटल कंप्यूटर बाबा का षड्यंत्र है, ये तो ड्रामा करते रहे अवैध उत्खनन के लिए, ये तमाम की मैं ये रोक रहा हूँ अवैध उत्खनन, वो रोक रहा हूँ, ये खुद अवैध उत्खनन करवाते रहे हैं लगातार, इन्होंने प्रदेश को खोखला कर दिया है। यानी ये जो अलग अलग सरकारों में राज्य मंत्री बनकर बैठते थे, तो इनके पीछे काला कारनामा ये अवैध उत्खनन का करते थे, आपका ये कहना है? जी जी, ये अवैध उत्खनन का गोरख धंधा चलाते, मेरे पास इनका पूरा काला चिट्ठा है, मैं इसको उजागर करने के लिए आ गया हूँ। मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि शायद अभी कार्रवाई हो जाए, अभी हो जाए, जब मैंने देखा कि ये उल्टा सीधा खुलेआम घूम रहे हैं, निर्धुंध होकर के घूम रहे, इन्होंने इतना बड़ा कांड किया, वो उस समय वो क्षण मुझे याद आ जाता जब मेरे गणपति से सट के गोली निकली थी, तो मैं मेरी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह का इन्होंने मेरे साथ जो कार्य किया है बहन जी, इसके लिए ईश्वर इन्हें नहीं माफ करेगा, इन्होंने बहुत बुरा कार्य किया, मैंने कुछ नहीं। सुनिए सुनिए स्वामी जी, आपने दो बातें कही कि एक तो उनकी नजर आपके आश्रम पर पड़ गई थी, बुरी नियत पड़ गई थी आपके आश्रम पर, दूसरा अवैध उत्खनन बार जो गिट्टी क्रशर की मशीन लगाने के पीछे कंप्यूटर बाबा का हाथ, जो हमले हो रहे हैं वो आपके, आप बता रहे हैं कि कंप्यूटर बाबा करा रहे हैं, तो ये जो आप बता रहे हैं क्योंकि बहुत पहले से ये अवैध उत्खनन करवाते आ रहे हैं, आपका ये आरोप है, तो आपने अवैध उत्खनन वाली बात को पहले क्यों नहीं उजागर किया? क्या इसीलिए उजागर किया क्योंकि आपके आश्रम पर लगातार मेरी फरियाद को सुना जाए तब ना, मैं लगातार दौड़ रहा हूँ, सभी जगह पहुँच रहा हूँ और इस मैं अपनी आवाज को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, आप तक मैं अब पहुँच पाया हूँ। तो आपको क्या लगता है जिन तक आपने कंप्लेन की है, क्या वो भी इन पूरे चीजों में मिले हुए हैं? जी जिनको आपने कंप्लेन की, आपने कहा आप थाने गए गड़मलहरा में, वहाँ पे भी आपने कंप्लेन की, आप कलेक्टर के पास गए? इसको खरीद रखा है कंप्यूटर बाबा ने, इनके वर्द हस्त्र प्राप्त है वहाँ के कंपनी को, और प्रशासन में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं उस लोकल प्रक्षेत्र में जो इनके इशारे पे काम कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाई जा सके, हालांकि आप खुद भी प्रयास कर चुके हैं, बीजेपी कार्यालय भी आप गए, लेकिन कंप्यूटर बाबा पर जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर अपने आप को इतना बड़ा संत कहने वाले कंप्यूटर बाबा पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं। आशीष मंगल सोनी फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष, काफी गंभीर ये मामला समझ आ रहा है क्योंकि अभी जो स्वामी जी हमारे साथ जुड़े आशुतोष जी, वो बता रहे हैं सीधा आरोप वो कंप्यूटर बाबा पर लगा रहे हैं और उनका कहना है कि आने वाले समय में मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंप्यूटर बाबा की होगी क्योंकि वही हमले करवा रहे हैं, उनके आश्रम पर नियत थी और काफी समय से कंप्यूटर बाबा अवैध उत्खनन करवाते आ रहे हैं। आशीष चलिए लगता है आशीष का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, तो काफी गंभीर ये मामला क्योंकि देखिए एक साधु एक संत अपनी जान बचाने के लिए, उसकी जान को खतरा है, वो अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग अधिकारियों के समक्ष पहुंचता है और वो गुहार लगाते हैं कि मुझे कंप्यूटर बाबा से जान का खतरा है, मुझे बचाइए, लेकिन ना कलेक्टर सुनते हैं ना थाने में बैठे लोग सुनते हैं और उसके बाद अब उन्हें मजबूरन बीजेपी कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर इस संत को, इस स्वामी जी को कुछ हो जाता है तो भला इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि बीजेपी कार्यालय तक तो ये पहुंच गए, बीजेपी के संज्ञान में भी ये मामला है और आने वाले समय में कंप्यूटर बाबा पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि भूलिए मत कंप्यूटर बाबा दोनों ही सरकारों में
बैठकर राज्य मंत्री का सुख भूख चुके हैं। और ये वो समय है जब अगर कंप्यूटर बाबा पर आरोप लगाए जाते हैं और वो आरोप पर पूरी कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे। तो ऐसे में जाहिर है कंप्यूटर बाबा से जुड़े हुए संत भी उनके साथ आवाज उठाएंगे किसी तरह की कोई भी गलत स्टेप इस माहौल में, सियासी माहौल इस वक्त चल रहा है मध्य प्रदेश में, उपचुनाव का समय है, कोई भी गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लेकिन ऐसे में क्या कंप्यूटर बाबा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि एक और संत उनके पास पहुंचे, उनसे मदद की गुहार लगाई है भारतीय जनता पार्टी से कि उन्हें कंप्यूटर बाबा से जान का खतरा है। पीएनसी कंपनी, जिसके नाम पहले भी कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, यानी उनके जो कारनामे हैं उनको लेकर कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं, और एक बार फिर खनन की तो उनके पास परमिशन है लेकिन क्रेशर लगाने की उन्होंने जो कोशिश की है वो ठीक नहीं है, वो इलीगल है। अब खेतों में ये क्रेशर की धूल घुसेगी, उपजाऊ जमीन खराब हो जाएगी, किसान भी परेशान है और किसानों की आवाज उठा रहे हैं आशुतोष तिवारी, लेकिन उनका कहना है कि अगर उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंप्यूटर बाबा की है। तो आखिर उठाएगी आवाज बीजेपी या नहीं उठाएगी, आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई गलती इस उपचुनावी माहौल में, सियासत भरे माहौल में बीजेपी नहीं करेगी। तो सियासत में तो एंट्री हो ही चुकी थी साधु संतों की, लेकिन दो संत आप आमने सामने हो गए हैं, आपस में लड़ने लगे हैं, विवाद हो गया है दोनों के बीच में। एक चाहता है कि किसानों की जमीन बच जाए, उपजाऊ जमीन को खराब ना किया जाए, क्योंकि क्रेशर लगेगा तो जमीन खराब हो जाएगी, और दूसरे कंप्यूटर बाबा पर आरोप है कि उन्होंने इन संत पर जो किसानों के लिए खड़े हैं इन पर गोलियां चलवाई हैं। आरोप में कितनी सच्चाई ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब ये संत यानी कि आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंप्यूटर बाबा की होगी, क्योंकि वो जैसे तैसे जान बचा के भोपाल की तरफ आए हैं, काफी समय से उनको धमकियां भी मिल रही थी, गोली भी चल चुकी है, लेकिन क्या बीजेपी एक संत के सामने दूसरे संत के लिए खड़ी होगी, सवाल तो बरकरार है। मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।